शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव। देखना ये वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि जब ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने जाकर अंतरिक्ष में एक आवाज सुनी कि सारे ब्रह्मांड का घर्षण बनके केवल एक शब्द की ओंकार होती है, उसका नाम है ओम ओम। और जब ये ओम का उच्चारण शिव के साथ हो जाए तो सब वारे न्यारे हो जाते, कह दो शंकर भगवान की जय हो। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा मन कमणिया सांस की माला ध्यान लगा के फेरे जा मन कमणिया सांस की माला ध्यान लगा के फेरे जा ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा मन कमणिया सांस की धुनी ध्यान लगा के फेरे जा मन कमणिया सांस की धुनी ध्यान लगा के फेरे जा श्वास की डोरी बना ले ध्यान लगाकर फेरे जा। इसको जप जाप कहते हैं। जब वो नाम आपकी सांसों पे उतर जाता है तो परमात्मा मजबूर हो जाता है, अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर देता है। ओम के रटने से शिव के रटने से क्या होता है क्या बताया? फल मिलता है तुरता फुरती सुरती सत पे जम जा से फल मिलता है तुरता फुरती सुरती सत पे जम जा से मन एक ठिकाने जम जा से मन एक ठिकाने जम जा से इन बारम बार घेरे जा मन कमड़िया सांस की धुरी ध्यान लगा के फेरे जा ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा मन कमड़िया सांस की धुरी ध्यान लगा के फेरे जा मन कमड़िया सांस की धुरी ध्यान लगा के फेरे जा। बोलो शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। हाय माया हाय माया, इंसान आज का माया के पीछे पागल है। एक एक गज जमीन के लिए भाई को भाई मार देता है। एक जिक्र करा सिकंदर का, एक सिकंदर राजा, सारी दुनिया का जितना माया थी जितना पैसा था ये ऑर्डर कर दिया कि इस दुनिया में जितने भी रुपये हैं मुद्रा है सब इकट्ठी करके मेरे पास मंगाओ। पूरे देश की माया इकट्ठी कर ली और सारी माया को धरती में गाड़ के उसके ऊपर सोया करता था सिकंदर। धरती पर रुपया नहीं छोड़ा, मुद्रा नहीं छोड़ी, करेंसी नहीं छोड़ी। एक दिन बाजार में एक बुढ़िया आ गई और उसके हाथ में एक पैसा था बुढ़िया के हाथ में। सिपाहियों ने देख के बुढ़िया पकड़ ली, तू कहां से लेकर आई? चल सिकंदर के पास चल। सिकंदर ने पूछा बुढ़िया कहां से लेकर आई? तो बुढ़िया ने कहा कि भाई राजा रुपये तो तने दुनिया में छोड़े कोई ना, सारे अपने कने मंगवा लिए। तुम मुसलमानों में जब कोई कब्र बनती है कोई मरता है तो मुर्दे गैल रुपया धरके दाबे है,
बोले भाई मन तो एक खबर पाड़ी, अरे ये पैसा लिकाड़ के बाजार में आ गई सामान लेने के लिए। उससे टेम सिकंदर ने ऑर्डर दे दिया कि जितनी कबर है सारी खुदवा दो, सब कबर में तेरे रुपये लिकड़वा लिए। और जब वो आखिरी टेम आया मरण का टेम, जब देखे ओए होए तू तो मर जाएगा चला जाएगा, ईमान तो कोई और ही बरतेगा, ऑर्डर दिया कर जब मेरी अर्थी लिकड़े, मेरी अर्थी में के कोई पांव बांधेगा, कोई हाथ बांधेगा, कोई छाती बांधेगा, मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लिकाट दियो। क्यों? कि याद रख सिकंदर के हौसले आली थे और संदेश दिया जब गया दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। सुनिए क्या लिखा, क्या बताया। बुरे कर्म डर, बुरे कर्म करता ना डरता भाई धरता सर पे भार। बुरे कर्म डरता ना डरता धरता सर पे भार। के एतबार पता ना इस दम का, के एतबार पता ना इस दम का, के एतबार पता ना इस दम का, कब शाम सवेरे कब शाम सवेरे। ये बताया कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है हमारे देश की। लोग कहते हैं कि अंधा कानून है, उसी प्रकार भगवान का भी कानून है, देर है लेकिन अंधेर नहीं। धन्यवाद भाई जी। अभी दिल्ली में एक बलात्कार का कांड हुआ था निर्भया के साथ में, आज अखबार में खबर पड़ी मैंने भी, 22 तारीख को उनको फांसी तोड़ी जाएगी। लेकिन कवि कहता है इन बलात्कारियों को फांसी देने से क्या ये बलात्कार कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। ये कैसे रुकेंगे? अगर इंसान सही सत्संग में बैठे जाके, देखो बड़े बूढ़े जानते हैं, वो जमाना हुआ करता था माँ अपने बेटे को कहती थी, बाप अपने बेटे को कहा करता था, बेटे मंगलवार का व्रती व्रत रह लिए हनुमान जी का व्रत से। छोरा मंगलवार का व्रती रहता था हनुमान जी का, उसके मन में धारणा रहती थी ब्रह्मचारी है हनुमान जी और तू भी पहलवान बन, उसके मन में धारणा होती थी। माँ अपनी बेटी को कहती थी कि बेटी सोमवार का व्रत कर तने सुतरा बनना मिलेगा, तेरा ब्याह सुतरे छोरे गए होगा, सोमवार का व्रत कर। वह छोरी सोमवार के व्रत करती, तुलसी को पानी देती, उसके मन में सारी भावनाएं धार्मिक रहती। लेकिन आज छोरा पैदा होकर ना दे इतने तो मोबाइल उसके हाथ में दे दे, ले बेटा खेल ले। वो छोरा मोबाइल में भिड़ते ही यूट्यूब खोल लेगा, भिड़ते ही, और गाना चला के आप देख ले, छोटे छोटे छोरे देखे होंगे अपने अपने घर में, क्यों चला ले वो यूट्यूब? अरे ताऊ तन्ने क्यों ना चलाया, तेरे जमाने में तो कर थे क्यों थे ना। अरे जब माँ गर्भवती है बालक पेट में और माँ गीता पुराण रामायण ना पढ़ती, मोबाइल चलावे थी, बेटा तो मोबाइल ही चलाओगे और क्या करेगा। सजनों संस्कारों से, बढ़िया सत्संग से, बढ़िया भजन सुनने से इंसान को सद्बुद्धि आती है, और जो छोरा बढ़िया बात सुनेगा अच्छे लोगों की सत्संग करेगा वो बलात्कारी नहीं बनेगा, वो संस्कारी बनेगा। सुनिए क्या लिखा। बुरे कर्म करने ते है तेरी, बुरे कर्म करने ते तेरी बुद्धि मंदी हो जागी,
कुछ भी ना सूझेगा तबीयत रे बिल्कुल अंधी हो जागी। कुछ भी ना सूझेगा तबीयत बिल्कुल अंधी हो जागी। तेरी अग्नि मंदी हो जागी, तेरी अग्नि मंदी हो जागी। इन सब इन सवेरे शाम सकेरे जा में। सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा अगर किसी के भीतर है वो मानस है। हाथी कितना बड़ा है, एक इंसान उसको कब्जे में कर लेता है। एक इंसान के पास वो ताकत है, बड़े तो बड़ी ताकत को अपने कब्जे में कर सकता है। बताते हैं, अगर एक इंसान अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त रखे, उसके माथे में मणि होती है, हर इंसान के माथे में मणि है। गणेन्यू कह दे करे एक आदमी ऐसा जिसकी पांच पिड्डी ने देश पर राज कर दिया और उसकी अगली पिड्डी ने कोई राजा नहीं बनने दे रहा, और एक चाय बनाने वाला राजा बन जाता है। क्यों बन जाता है? इस मणि का खेल है लोगो। और हर मानस का वही जुबान है, वही नाक है, वे आत्मा है। एक आदमी तो राज करता है, अरे एक आदमी बेचारा मजदूरी करो ना, मजदूरी भी ना मिलती। ये खेल कर्मों का नहीं, ये खेल उसकी मणि का है। अरे मणि जो है इसमें कम तक मान का चलो 10,000 वोल्टेज का बल्ब चसे आड़ा, 10,000 वोल्टेज का, लेकिन किसी का चसे को ना जल्दी थे। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसफार्म धरा है, ट्रांसफार्म लोगों ने तार गेर रखे है। कोई बापू बनके, कोई माँ बनके, कोई बेटा बनके, कोई चाचा बनके, और वह सारी बिजली काट रखी है। बस 10,000 वोल्टेज की जगह है, इन मणि में 10-20 वोल्टेज का छोटा सा लट्टू चसे है, अंधेरे में अंडे जा है। अगर इंसान, और कहीं तो ऐसे ने तार के रखे जिनका मतलब भी पूरा हो रहा फिर भी बिजली खेच रहे है। समझ रहे मेरी बात है लोगो? सबसे बड़ी ताकत है इंसान के भीतर की, ये भीतर लेने साफ कर लो, सबके में थारे मिल जाएगा। सुनिए आखिर में केले क्या है। ऐसे अरे केशोराम चले अग्नि में, केशोराम चले अग्नि में, अल्ले सुखे हो गिले कुंदन लाल हाल दर्शाते, कुंदन लाल हाल दर्शाते, अज्ञान के बंधन हो ढीले कुंदन लाल ज्ञान दर्शाते, अज्ञान के बंधन हो ढीले नंदलाल के बोल रसीले हो, नंदलाल के बोल रसीले हो, इन पर भर डोली के रेता उनका बढ़िया सास की डोली। ध्यान लगा के फेरे जा।